भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाएं, पुरुष, अति बुजुर्ग, थर्ड जेंडर, दिव्यांगों और युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस चुनाव में ईवीएम के समीप संचालित होगी वीवीपैट मशीन। ईवीएम में बटन दबाते ही इस मशीन में एक पर्ची दिखेगी। इस पर्ची में प्रत्याशी का नाम, क्रमांक और चुनाव चिन्ह अंकित हो जाएंगे। ये पर्ची 7 सेकंड तक दिखेगी, मतलब डबल चेक, मतदान की डबल जांच हो जाएगी। भय, लालच, आलसपन छोड़ो, लोकतंत्र से नाता जोड़ो। मतदान करना आपका कर्तव्य है और अधिकार भी। जिम्मेदार नागरिक बने, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। प्रदेश भर में देश के लिए शहीद हुए जवानों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में बलरामपुर पुलिस अधीक्षक तिलक राम कोशिमा ने 414 शहीदों के नाम का वाचन किया। वहीं अमर जवान स्मृति चिन्ह पर जवानों के नाम श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के अवसर पर जिले के जिला न्यायाधीश सहित जिला कलेक्टर, पुलिस के समस्त स्टाफ एवं केंद्रीय रिजर्व बल के अधिकारी जवान शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे शहीदों के परिजनों को साल त्रिफल देकर सम्मानित किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चुनाव खत्म होते ही जिले में 2 जगह पर शहीदों के नाम चौक भी बनाया जाएगा। जो अपने जिले के शहीद हैं उनकी याद में इस चौक का निर्माण किया जाना है। पूरे भारत देश के विभिन्न राज्यों के 414 अधिकारी कर्मचारी जो पिछले 1 वर्ष में शहीद हुए थे, उनको आज 21 अक्टूबर 2018 को पुलिस स्मृति दिवस परेड के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी शहीद अधिकारी कर्मचारियों के नामों का वाचन किया गया और अभी अगली कड़ी में इसके पश्चात स्कूल्स में और अन्य जगहों पर शहीदों के सम्मान में डिबेट, निबंध प्रतियोगिता, कविता लेखन और अन्य तरह के कार्यक्रम आज ही कराए जाएंगे। इनके परिजनों को सभी को सम्मानित किया गया है साल और श्रीफल देकर, और उनकी जो भी समस्याएं हैं उससे अवगत होने के बाद उसका समय पर निराकरण भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में रविवार का दिन सड़क हादसों के नाम रहा। शंकरगढ़ में सीवा बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अंबिकापुर बलरामपुर मुख्य मार्ग NH 343 में भी दूसरा सड़क हादसा हुआ, जिसमें ग्राम पाणी के पास एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में स्कूल के बच्चे नहीं थे बल्कि सरगुजा जिले के सीतापुर इलाके के ग्रामीण सवार थे, जो अपने किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने चांदो गए हुए थे। वहां से होकर वापस लौट रहे थे। बस अनियंत्रित होकर बाइक सवार को बचाते बचाते पेड़ से जा टकराई। बस में 35 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें से 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सभी को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। हादसे की खबर मिलने के बाद राजपुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर में भर्ती कराया, जहां गंभीर रूप से घायल एक महिला को 108 एम्बुलेंस की मदद से अंबिकापुर रिफर किया गया। पुलिस ने मामला कायम कर जांच में जुट गई है। हम लोग चांदवादी स्थान के लिए गए थे, वहां पे 3 दिन का था, फिर आज लास्ट था, तो फिर आ रहे थे, फिर बुलेरो आया, उसको बचाते बचाते एक ठो बाइक आ गया, फिर उसके बाद में लहर आया, फिर पेड़ में टकरा गए। बस चांदो से सीतापुर जा रही थी, रास्ते में पस्ता के पास एक पहाड़ी जगह है, वहीं अनियंत्रित होकर बस पेड़ से टकरा गई है और करीब 15 लोग घायल हैं। इलाज राजपुर अस्पताल में जारी है, कोई भी खतरे से बाहर हैं और ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, सामान्य चोटें हैं। ये घायल सभी सीतापुर के पास के गांव के रहने वाले हैं, किसी सामाजिक कार्य से चांदो गए थे तो आज वापस लौट रहे थे, शाम के समय की घटना है। अभी इस बारे में ज़्यादा डिटेल पता नहीं है, तो उसको देखते हैं, अभी तो इलाज चल रही है, उसके बाद जांच में देखा जाएगा। बीजापुर विधानसभा क्रमांक 89 के अंतर्गत आज 3 प्रत्याशियों ने अपना नाम दाखिल करने निर्वाचन शाखा कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के सर्वप्रथम विक्रम शाह मंडावी, उसके बाद छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सकनी चंद्रैया और तृतीय स्थान पर पूर्व भाजपा विधायक राजा राम तोडेम शामिल है। वहीं बीजापुर विधानसभा क्रमांक 89 के अंतर्गत अब तक 6 प्रत्याशियों में से 4 प्रत्याशियों ने अपना नाम दाखिल कर दिया है। इस चुनावी समर में कांग्रेस पार्टी के विक्रम शाह मंडावी नाम दाखिल करने शक्ति प्रदर्शन के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। 15 वर्ष से सत्ता से दूर रहे कांग्रेस इस बार सत्ता की आस लगाए बैठी है और इस बार बीजापुर की जनता पर भरोसा जताया है और कहा कि इन 15 वर्षों में हमने बीजापुर की जनता की समस्याओं को उजागर कर शासन प्रशासन के सामने रखकर समस्याओं का निराकरण करवाया है, जिसका प्रतिफल हमें इस चुनाव में अवश्य प्राप्त होगा। आपको बता दें कि 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के महेश गागड़ा
विक्रम साहब मंडावी को लगभग 10,000 मतों से पराजित किया था। उस समय कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद उत्पन्न हो गए थे, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन देखना होगा कि इस चुनावी समर में अब तक भाजपा की त्रासदी झेल रही जनता और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस बार विक्रम साह मंडावी पर भरोसा जताया है, जबकि अब तक विधानसभा बीजापुर में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 2 निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नाम दाखिल किया है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझे बीजापुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया है और मैं हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से हमें पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि हम बीजापुर की विधानसभा सीट इस बार भारी मतों से जीतेंगे। लगातार 5 सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ से लेकर हर क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर, हमारे नेताओं के दम पर ये सीट हम भारी मतों से जीतेंगे। पिछली बार महेश गागरा सीधी लड़ाई थी जिसमें हार का सामना करना पड़ा था आपको, इस बार किस हद तक आश्वस्त हैं आप? हम अपने काम पर, अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत पर हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सीट हम जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप पहुँचेंगे जनता के पास? लगातार पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीजापुर विधानसभा के अंदर में रहकर जिस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है और क्षेत्र के विधायक और मौजूदा वन मंत्री के पद पर आसीन महेश के द्वारा क्षेत्र में निष्क्रिय रहना और उनके द्वारा कोई भी क्षेत्र में काम नहीं करना, सभी मुद्दों को लेकर और बहुत सारे मुद्दे हैं उनको लेकर हम जन जन तक जाएंगे, लोगों के बीच में जाकर लोगों से अपील करेंगे। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा पंडित दीनदयाल जंक्शन से दिलदार नगर तक जाने के लिए विशेष सैलून पकड़ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पहुंचे। यहां पर मुगलसराय डिवीजन के प्रबंधक व अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद विशेष सैलून ट्रेन से केंद्रीय मंत्री सबसे पहले जिले के सकलडीहा और धीना स्टेशन पहुंचे। वहां पर उन्होंने फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। केंद्र की मोदी सरकार और सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में उपस्थित जनता को बताया। मीडिया से बात करते हुए रेल राज्य मंत्री ने कहा, अमृतसर रेल हादसा दुखद हादसा है, अगर स्थानीय शासन ने सावधानी बरती होती तो शायद यह दुर्घटना टाली जा सकती थी। दुर्घटना के तुरंत बाद मैं वहां पहुंचा था और रेलवे के रिलीफ टीम और भारत सरकार की सभी एजेंसियां पूरी मदद में वहां लगी हुई थी। पंजाब सरकार भी वहां पूरे हालात संभालने में लगी हुई है। रेल राज्य मंत्री ने कहा कि अनावश्यक रूप से किसी को इस दुखद घटना पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। दुखद हादसा है और अगर स्थानीय प्रशासन ने सावधानी बरती होती तो शायद ये दुर्घटना टाली जा सकती है। मैं दुर्घटना के तुरंत बाद मैं वहाँ पहुँचा था और रेलवे की रिलीफ टीम और भारत सरकार की सभी एजेंसियाँ पूरे मदद में वहाँ लगी हुई थी। पंजाब सरकार भी वहाँ पर पूरी तरह से घायलों की मदद में लगी है। अनावश्यक रूप से किसी को इस दुखद घटना पर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर वहाँ के आयुक्त ने जो बयान दिया है अमृतसर के कि कार्यक्रम को अनुमति नहीं थी, अगर सावधानी बरती जाती तो शायद यह हादसा टाला जा सकता। राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ विधानसभा में रविवार को विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में विशाल युवा संकल्प महारैली निकाली गई। रैली में हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ नवलगढ़ रामदेवरा मंदिर से मुख्य मार्गों से होते हुए चिराना पहाड़ीला तक 30 किलोमीटर की विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान विधायक डॉक्टर शर्मा व अनेक जनप्रतिनिधियों के संबोधन से शुरू हुई महारैली का जगह जगह पुष्प वर्षा व मालाओं से स्वागत किया गया। डीजे की धुन पर नाश्ते व जयनाद करते हुए समर्थक समापन स्थल पर पहुंचे, जहां विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जनता का एहसान रहेगा मुझ पर, इसे विकास नीति के द्वारा ब्याज सहित चुकाऊंगा। जनता के लिए विकास कार्यों का दौर इस रैली के रूप में शुरू हो चुका है। महारैली के लिए समर्थकों का आभार व्यक्त किया। एटा पुलिस को एक सफलता उस समय हाथ लगी जब नरंगाबाड़ा थाना में सटीक में रहने वाली मुन्नी देवी अपने पुत्र के साथ स्टेट बैंक सटीक से 49,000 रुपए निकाल के जा रही थी। सटीक के अंतर्गत कब्जा में स्थित भाग पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही 2 मोटरसाइकिल सवार 4 लड़के उनके हाथ से रुपए छीन कर भाग निकले। इसकी सूचना तत्काल पीड़ित ने थाने को दी। हरकत में आई पुलिस ने तत्काल चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान दोनों लुटेरों में से सिंघोरी गांव के पास मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 अव्यक्ति गिरफ्तार किए गए। सफलता हाथ लगी। आरोपी कागजात में बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से 1 तमंचा, 1 नोखा, 3 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और लूट किए 39,000 रुपए बरामद किए। एसएसपी आशीष तिवारी ने पुलिस टीम को 15,000 रुपए नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की।
बैंक से एक महिला अपना पैसा लेके जा रही थी और उसके पीछे दो लोग जो है झपट्टा मार के उसे चुनौती करके पैसा उसका ले गए थे 49,000 रुपये। तो इसमें जो लूट थी वो लाइव उसको पकड़ा गया वहाँ पर जनपद में। जो हमारा प्लान है जिसके अंदर में हम लोग सीलिंग प्लान होता है हमारा, उसको लागू किया गया और उसमें 2 UP-100 के कर्मियों ने जो है लाइव उनको जो है अरेस्ट किया। जब सकीट और जो किलवा थाना है उन्होंने एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया और उसमें लाइव दो लोग जो है पकड़े गए, दिनेश और पिंटू। ये दोनों ही एक कासगंज का रहने वाला है, एक नयागांव का रहने वाला है। इसके अलावा दो और इनके साथी हैं जो फरार हैं, शिशुपाल और गोलू, ये दोनों कासगंज के रहने वाले हैं। इसमें बरामदगी जो है 39,000 रुपये लूटे गए, साथ में एक तमंचा, एक खोखा और एक मोटरसाइकिल। ये टोटल बरामद की है और इसमें जो टीम ने इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है उसको मेरी तरफ से रिवॉर्ड भी है। इन दोनों सिपाहियों को अलग से प्रशस्ति पत्र और इनको रिवॉर्ड। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है क्या जो लूटे? हाँ, इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी है। ये पहले जो है बदायूं में जेल जा चुके हैं, 392 के केस में, लूट के केस में जा चुके हैं, तो पुराने लुटेरे हैं। राजधानी के सांगानेर स्थित सामुदायिक केंद्र में प्रकृति हित संस्था द्वारा रविवार को विशाल 5वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शिविर में 336 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। जानकारी के अनुसार शिविर संयोजक जितेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रकृति हित संस्था हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है जिसमें लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हमारे आपके अपने प्रकृति संस्थान द्वारा 5वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें आज हम 400 से ज़्यादा जो पिछले हमारे डोनर है जिन्होंने हमारे इस तत्वादान में डोनेट किया है उनको हम आज सम्मानित कर रहे हैं। और आज हमारा लक्ष्य है, पिछली बार हमारा 4था जो ब्लड डोनेशन कैंप था उसमें 326 यूनिट का टोटल रक्तदान हुआ था। आज हमारा टारगेट 500 से ज़्यादा यूनिट कलेक्शन का है और जिस तरीके से आज सांगानेर और आसपास की जनता में जो उत्साह देखने को मिल रहा है हमें पूरा विश्वास है कि आज हमारा रक्तदान में 500 से ज़्यादा यूनिट का कलेक्शन होगा। हमारा आपका ये जो NGO है हमेशा हर तरीके से सेवा भाव में जुटा हुआ रहता है। आप सभी लोग हमारे साथ में हैं, थैंक यू। जय हिंद, जय प्रकृति संस्थान। राजस्थान के जयपुर में 29 अक्टूबर को आयोजित होने वाली किसान हुंकार महारैली को लेकर किसानों की आवाज़ शिवसर विधायक हनुमान बेनीवाल व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष छुट्टन यादव ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर जनसंपर्क किया। बेनीवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि आज राजस्थान की जनता दोनों पार्टियों से आहत हो चुकी है तथा तीसरा मोर्चा अपनी मांगों को लेकर मैदान में आ रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश पूर्ण रूप से आलमुक्त होना चाहिए तथा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। वहीं सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली मिलना चाहिए जिसमें पैदावार हो सके। वहीं युवा नेता छुट्टन यादव ने किसानों व युवाओं से आयोजित होने वाले किसान हुंकार महारैली में अधिक से अधिक संख्या में जयपुर चलने की अपील की। राजस्थान में सीकर जिले के लक्ष्मण कब्जे में रघुनाथ अस्पताल के सामने गायत्री व्यापम शाला में हर वर्ष की भांति इस वर्ष की नवरात्र समापन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। आयोजन में छोटे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। युवा प्रवासी ललित बारिक ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गायत्री व्यापम शाला में विजयदशमी के एक दिन बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में प्रथम स्थान खुशी पारिक जीव पराशर, द्वितीय स्थान तृतीय स्थान पायल जाकिर, तृतीय स्थान एवं खुशी पारिक को काल सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं गणमान्य मौजूद रहे। गायत्री व्यायाम शाला के अंदर नवरात्र के अंदर पूरा समापन होने के बाद एक बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम करता हूं तो उनके यहां उत्साह बढ़ाने के लिए वो अपना एक नृत्य नाटक भजन और डांस उनका उत्साह बढ़ाने के लिए प्रोग्राम हर साल करता हूं। आप कितने साल से यहाँ मेहनत करके ये कार्यक्रम कर रहे हो? ये कम से कम 24-25 साल हो गया। वैसे पहले रामचरितमानस में रामचरितमानस भी बिठाते आ रहे हैं, दुर्गा पूजा को कम से कम 23 साल हो गया। जो पुरस्कार दिया गया है हाँ, ये किन किन को दिया गया है? ये अपना पहला पुरस्कार खुशी पारिक और अपना एक नीतू पारासुर को दिया गया है। दूसरा पुरस्कार टीना पारिक और एक दूसरी खुशी पारिक को दिया गया है। आपका नाम? मेरा नाम रत कुमार पारिक है और ये समापन समारोह करने के बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम करने के बाद फिर मैं अपनी कर्म भूमि सुरत की ओर चला जाता हूँ और बच्चों को पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करता हूँ। मान चालीसा सिखा के जाता हूँ उनको, सबको सब आते हैं
और बच्चे खुश होके अपने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। 100-150 लड़के लड़कियाँ आती हैं, उनके माता जी पिताजी सब यहाँ पर बैठते हैं। बैठने के बाद इमरान प्रतियोगिता हर चीज के अंदर कलावर्ती इनको सिखाने के लिए, इनको बताने के लिए, इनके अभिव्यक्त करने के लिए ये प्रोग्राम हर साल लास्ट में करता ही। यूपी के मेरठ में आज एक सिरफिरे आशिक ने जमकर उत्पात मचाया। 4 बच्चों का बाप सिरफिरा आशिक अपनी प्रेमिका के घर में महिला के भेष में घुस गया और अपने रास्ते से प्रेमिका के परिवार को हटाने के लिए उन पर चाकू से हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर आई पब्लिक ने सिरफिरे आशिक को पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई कर डाली, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामला थाना प्रतापपुर क्षेत्र के काशी गाँव का है। बताया जा रहा है कि सनवर नाम का व्यक्ति, जो कि 4 बच्चों का पिता है, अपने ही गाँव काशी की एक नाबालिग युवती से प्रेम करने का आरोप है। बीते 7 तारीख को सनवर युवती को बहला फुसला कर भगा ले गया था और इलाहाबाद जाकर हाई कोर्ट में कोर्ट मेरिट करने की कोशिश की। उधर युवती के परेशान परिजनों ने थाना प्रतापपुर में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और इलाहाबाद पहुंचकर अपनी बेटी और आरोपी को बरामद कर लिया, जिसके बाद बेटी के परिजन घर ले आए। लेकिन सिरफिरा आशिक कहां चुप बैठने वाला था। सिरफिरे आशिक सनवर ने प्रेमिका के घर बुरका पहनकर जा धमका और अपनी प्रेमिका के परिवार को रास्ते से हटाने के लिए उन पर चाकू से हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर पड़ोसी आ गए। लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर उसकी धुनाई कर दी। इस दौरान आरोपी ने एक नशीली गोली खाकर खुद को बेहोश करने का ड्रामा भी किया, जिसके बाद उसको पुलिस को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम है? कमर जहां। क्या हुआ आपके साथ? हम तो खाना बना रहे थे किचन में, क्या नाम, पीछे से आई वो लेडीज के भेष में था। हम कह रहे पता नहीं कौन है। जब उन्होंने चेहरा खोला तो हम जो हटे, मेरी तरफ को आया वो, मम्मी ने उसके पीछे से गोली भर ली। क्या नाम? सनवर। कहाँ का रहने वाला? काशी का। हमारी ये है 7 तारीख को, इसने रात को हमारी बहन को फुसला के ले गए, काम करती थी फैक्ट्री में। हमने ढूंढान करने के बाद ये हमें नहीं हाथ आई, ना ही हाथ आया। उसके बाद हमारा मुकदमा दर्ज हो गया प्रतापपुर थाने में। फिर वहाँ से इलाहाबाद ये पहुँच गए कोर्ट मैरिज करने के लिए। वहाँ से हमने अपना जो अंपायर होता मुकदमा वो खारिज करा लिया वहाँ। उसके बाद हमने यहाँ थाने में भी इसके लड़के के बैन हो गए पूरे। बैन होने के आज मामला हुआ है। आज मैं बता रहा हूँ, मैं तो छत पर ऊपर था अपनी बच्चों के साथ। वो अचानक औरत के भेष में आया, बुरखा उड़ रखा था, उसके हाथ में बैग था और अम्मी के गले पर उन्होंने डायरेक्ट चाकू रखा और कमर जहाँ हमारी बहन। क्या हम बोल लूँ? हम रसोई में खाना बना रहे थे, 3 नवा बेटी, वो आया बुरखा उड़ के और मुँह खोला, छुरी चक्कू निकाल ले और हमारी तरफ को भगा। अब रोल ना मचाओ। जब भारे सा आदमी आया, जब उसको पकड़ा मेरा गले पर, गर्दन छुरी से काट दूंगा। कौन था, क्या नाम? सनवर। कहाँ का रहने वाला है? काशी का ही है। अच्छा, तो कोई बार चाकू वगैरह बार किया भी नहीं? चाकू लगे हमारे हाथ में भी लगा है, ये और इसमें उंगली में और इसके भी। सर, एक युवक बुरखा पहन के एक युवती घर में घुसा, क्या पूरा मामला? देखिए, अभी आज से लगभग 15 दिन पहले की बात है। एक लड़का लड़की एक गांव से साथ चले गए थे, उसमें उसकी लड़की को थाना पुलिस ने रिकवर किया था और जो वैधानिक कार्रवाई थी वो की जा रही थी, चूँकि उसमें उनके अभिभावकों ने मुकदमा पंजीकृत कराया था, उसमें अभी बयान वगैरह होने शेष हैं। इसी बीच में आज ये पता चला है कि जो लड़का उस लड़की को लेकर के चला गया था, वो आज पुनः बुरका पहन के उसके घर में चला गया था, चूँकि दोनों आसपास के रहने वाले एक ही गांव के हैं। ऐसी स्थिति में घर वालों ने उनको पकड़ लिया था, पकड़ के पुलिस को बुलाया, पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है और इसमें बाकी जो वैधानिक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। लड़की का बयान वगैरह हम लोगों ने दर्ज करा दिया है, न्यायालय में उसका बयान किया जाना बाकी है। उसके बाद जो भी आज के जो घटनाक्रम है उसमें जो एविडेंस मिले उसके हिसाब से कर रहे हैं। एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है इसमें। हाँ, चूँकि घर वालों ने संभवतः उसको जो हिरासत में लिया था तो उसके इस तरह के दुस्साहस के लिए लोगों ने थोड़ी मारपीट की थी, वो उसका एक वीडियो बना है, वो वायरल हुआ है। यूपी मेरठ के एक दरोगा की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक के बाद एक दरोगा के मुंह पर चांटे लगाए जा रहे हैं।
दरअसल मामला मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के दिल्ली दून बाईपास पर भाजपा के वार्ड 40 से पार्षद मुनीश कुमार के रेस्टोरेंट का है, जहां दरोगा सुखपाल एक महिला के साथ खाना खाने पहुंचे थे। इस दौरान उसकी रेस्टोरेंट कर्मियों से कहा सुनी हो गई, इस पर दोनों ने काफी हंगामा किया। वहीं जब इसकी खबर रेस्टोरेंट मालिक को लगी तो वे अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गए और दरोगा की जमकर धुनाई कर डाली। इस दौरान वहां तगड़ा हंगामा हो गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि दरोगा सुखपाल प्रतापपुर थाना के मोहसिनपुर चौकी प्रभारी हैं और दरोगा शराब के नशे में धुत था। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने दरोगा और उसके साथी महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। उसके बाद देर रात्रि पुलिस ने दबंग नेता को भी हिरासत में ले लिया। इस दौरान रात तक थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में भाजपा नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। फिलहाल पुलिस दोनों ओर से तहरीर आने पर जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है, जिसमें दरोगा पर भी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। सर, एक वीडियो वायरल होने का मामला आया सामने, इसमें क्या मामला है? देखिए, ये प्रतापपुर थाने में तैनात एक सब इंस्पेक्टर हैं। वो आज शाम में किसी अपने जानने वाले के साथ कहीं खाना खा रहे थे और वहाँ पे जो होटल के मालिक थे उनके साथ उसमें कुछ किसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हो गया था। दोनों पक्षों को थाने लाया गया है और ला करके उसमें कार्रवाई की जा रही है। उसमें ये भी शिकायत हुई है कि शायद दारू के नशे में सब लोग थे, सब दोनों पक्षों ने शराब सेवन किया था, तो इसकी भी जांच कराई जा रही है और उसमें जो भी दोनों पक्ष से लिख के आएगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। जो साक्ष्य मिलेगा उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे। जनपद संभल में कैटर की टक्कर से एक की मौत और चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को अलीगढ़ रिफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि थाना वजीरगंज जिला बदायूं में मुलजिम के घर दबिश डालकर वापस आते समय बदायूं मेरठ मार्ग गुन्नौर के पास नेशनल हाईवे पर बुलेरो और कैटर में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बुलेरो में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अलीगढ़ रिफर कर दिया गया है। हादसे के वक्त बुलेरो में 6 लोग सवार थे, जिसमें महावीर ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉई एस के तिवारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तथा ड्राइवर हरिओम व थाना विजयनगर के SHO बाग सिंह, कांस्टेबल सुरेंद्र चौधरी, नवल सिंह, नरेंद्र सिंह को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। सर, ये बुलेरो और DCO में एक्सीडेंट हुआ है, क्या है मामला? एक्चुअली में राजस्थान डिस्ट्रिक्ट अजमेर थाना विजयनगर की पुलिस एक लूट, जो ट्रकों की लूट हुई थी, ट्रकों में जो टायर थे लूट हो गई थी और उसके ड्राइवर की हत्या हो गई थी। उस सिलसिले में वो अपना राजस्थान से चले थे और आज सुबह हमारे थाना गुन्नौर के सामने से होते हुए बदायूं डिस्ट्रिक्ट में अपनी जांच पड़ताल और माल बरामदगी के चक्कर में जा रहे थे। इसमें मौत हो गई सर किसी की? सामने से एक DCM गाड़ी आती है और आने के बाद हमने सामने की जबरदस्त टक्कर होती है। जो सरकारी लोग थे, पुलिस वाले थे, टोटल चार थे, उसमें एक प्राइवेट गाड़ी का चालक था और एक कंपनी का एक फील्ड मैनेजर था जो उनके साथ था, उसकी डेथ हो गई है और ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल है। चार पुलिस वालों में से दो की हेड इंजरी है, दो के कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया है। सभी को अलीगढ़ भेज दिया गया है इलाज के लिए। जिनकी मौत हुई वो प्राइवेट आदमी है? हाँ, वो प्राइवेट आदमी है, वो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसके फील्ड के मैनेजर है। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार से आ रही कार ने टेम्पो में जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में लगभग एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि कार और टेम्पो की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो और कार में सवार लगभग एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची UP 100 डायल ने तत्काल सभी घायलों को शाहजहाँपुर के संयुक्त जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। मामला शाहजहाँपुर के थाना चौक कोतवाली क्षेत्र के RKB के बरेली मोड़ के पास की है। ये बरेली मोड़ पे जो इंसिडेंट हुआ है उसमें कितने लोग पता हो? हाँ, अभी हमारे पास जी सूचना आई थी कि बरेली मोड़ पे एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में ये सब जो करीब 10 के करीब जो है घायल अवस्था में यहाँ पर आए, जिसमें 3-4 लोगों की कुछ ज़्यादा ही मतलब सीरियस थे, उनको तो एडमिट कर दिया, बाकी लोगों को भी चोटें आई हैं, उनका सबका उपचार चल रहा है और जिन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं उनको ऑब्जर्वेशन में रखा है, उनका एक्सरेज वगैरह सब कुछ करवाना, तो इलाज शुरू हो चुका है और भी हम लोग जो है उनको देख रहे हैं। कोई डॉक्टर एक्सपायर तो नहीं हुआ? हाँ जी, कोई ख़त्म तो नहीं हुआ? नहीं, कोई इसमें एक्सपायरी अभी तक नहीं है, सब अभी तक जो है अभी सबसे सलामत हैं, लेकिन मतलब जो है गंभीर में 2-3 हैं अभी हमारे पास।
यूपी के शाजापुर में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से किए गए विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन प्रवेश कुमार साहनी, जोनल इंचार्ज अशोक कुमार कनौजिया, हरिओम श्रीवास्तव, एडवोकेट रामगण राठौर, ज्ञान प्रसारक की अध्यक्षता में संत निरंकारी भवन रेती रोड शाजापुर द्वारा किया गया। इस दौरान अनेक महिला व पुरुष ने भी रक्तदान किया। शिविर में लगभग 60 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। इस मौके पर महेश सक्सेना, ज्ञान प्रसारक शिवम, मीडिया प्रभारी उपदेश रावत, शिक्षक संवाददाता राजेश गुप्ता, कवित सक्सेना, दिनेश सहित आदि लोग मौजूद रहे। निरंकारी मिशन किसी जाति पाति समुदाय का नाम नहीं है। निरंकारी मिशन एक विचारधारा है जो इंसानों को इंसानों के नजदीक लाती है। आपस में भाईचारा, मानवता के जो गुण हैं, प्रेम, नम्रता, प्रीत, प्यार, सत्कार, ये निरंकारी मिशन का उद्देश्य है। पूरे विश्व में निरंकारी मिशन की ब्रांचे हैं और पूरे विश्व में सदगुरु ऐसी बख्शिश कर रहे हैं कि उनके माध्यम से यह प्रेम भाईचारा कायम हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाएं, पुरुष, अति बुजुर्ग, थर्ड जेंडर, दिव्यांगों और युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस चुनाव में ईवीएम के समीप संचालित होगी वीवीपैट मशीन। ईवीएम में बटन दबाते ही इस मशीन में एक पर्ची दिखेगी। इस पर्ची में प्रत्याशी का नाम, क्रमांक और चुनाव चिन्ह अंकित हो जाएंगे। ये पर्ची 7 सेकंड तक दिखेगी, मतलब डबल चेक, मतदान की डबल जाँच हो जाएगी। भय, लालच, आलसपन छोड़ो, लोग तंत्र से नाता जोड़ो। मतदान करना आपका कर्तव्य है और अधिकार भी। जिम्मेदार नागरिक बने, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।